नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि एक तरफ सियासत को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी और भाजपा में पलटवार की स्थिति बनी हुई, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप को करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो जारी किया गया जिस वीडियो को हटा दिया गया था संसद टीवी से। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसा दावा कांग्रेस का किया जा रहा है लगातार कि संसद की तरफ से जो है उनके ऊपर निष्पक्ष तरीके से चीजें नहीं की जा रही है, वो भाजपा के खेमे को लेकर के जो ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनके लिए जो है कुछ भी अच्छा करते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के बयान हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो, सभी के बयानों को लेकर के जो है चर्चाएं चल रही थी। और उन्हीं चर्चा के बीच में आज जो है राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप जो है जारी किया गया और उस वीडियो क्लिप को दिखा करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि ये है वो सच जिसे छिपाने की कोशिश जो है मोदी सरकार ने की, और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर संसद ने भी जो है निष्पक्षता खो दी। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि बीजेपी खेमे के ऊपर बड़ा हमला करते हुए जो है कांग्रेस की टीम ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो के डालते ही जो है हंगामा मच गया। ऐसा क्या था उस वीडियो के अंदर, वो देखिए जरा। सबसे जरूरी सवाल इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माने सदस्य पब्लिक में सर, माने सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, नहीं स्टिकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा नहीं बनाया, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्लीज प्लीज सो द रिलेशनशिप बिगिन्स मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वॉज आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वॉज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, वन मैन stood shoulder to shoulder with the Prime Minister, then back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they both, and he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat, expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है, एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कट दिया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
$1 बिलियन लोन अदानी जी को। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन करेगा। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। June 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC फर्नांडो इन्फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री कमेटी इन श्रीलंका इन ओपन हियरिंग दैट ही वाज टोल्ड बाय प्रेसिडेंट राजापाक्सा दैट PM मोदी प्रेशर्ड हिम टू गिव द विंड पावर प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू मिस्टर अदानी। मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रेवल टुगेदर विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रेवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड डिड अदानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मैंने आज, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी का ये वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम जनता जो है इसके ऊपर रिएक्शंस दे रही है, अपनी बातें साझा कर रही है, और सबसे ज्यादा जो है अहम मुद्दों को इस बीच में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर जनता की तरफ से ये चीज बार बार कहा जा रहा है कि आखिरकार जो है सरकार के लिए इतनी ज्यादा जो है निष्पक्षता का बलिदान देना क्या सही है? हर जगह पर निष्पक्षता बिल्कुल गायब होती जा रही है, आखिरकार ये कहां तक जो है सही है? और आगे चल करके जो है सरकार के लिए अगर जनता के खिलाफ भी अगर कोई कदम उठाना होगा तो शायद जिन संस्थानों पर भरोसा किया जाता है वही सबसे पहले जो है कदम उठाते हुए नजर आएंगे। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर मुद्दा जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को तुल दिया और तुल अब जनता तक पहुंच चुकी है, और जनता जो है इसको लेकर के विरोध करती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो मुहिम शुरू करनी चाहिए थी वो मुहिम आखिरकार जो है यहाँ पर उजागर होती हुई नजर आ रही है। भाजपा खेमे पर जो है एक बड़ा पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन इस मुद्दे को सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है कमेंट में बताना ना भूले, और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।